उंगली लपेट लट कर अठ खेलिया तो रूप से रति के जीत हार कर मोहिनी के उंगली लपेट लट कर अठ खेलिया तो रूप से रति के जीत हार कर मोहिनी और चटकीली चितवन चंचला चकोरी सी की चांद पे ही चांदनी उधार कर बेटा। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे पूछो ना नीम की उस छाओ में क्या रखा है बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है बक्सों में घरों के। बहुत सारी लड़कियां इस हॉल में बैठी हैं, लड़कियों के सुख अजब हैं और दुख उससे अजब, हंस रही हैं और काजल भीगता है बार बार। ये जो कहने का सलीका है, एक छोटे से कस्बे की एक गांव में पली हुई बच्ची ने अपने अंदर को गाने की कोशिश की है, इसलिए जितनी दाद आपने चंदन को, कुशल को दी या रमेश मुस्कान को देंगे, उन सब की सजगता इकट्ठी करके और ख़ास तौर पर इस हॉल में बैठी हुई एक एक महिला की, एक एक लड़की की जिम्मेदारी है कि ये जो रेशो पूरा नहीं हुआ 33% का, जो कि होना चाहिए, हम अगर 5 लोग हैं तो कम से कम 2 कवित्री तो होनी चाहिए थी। आज आप मनु वैशाली को ऐसा सुनना कि इसके गांव में जब ये रील पहुंचे तो गांव को पता चले कि इन्हीं पनघट से, इन्हीं पगडंडियों से गुजरी हुई एक बच्ची के पैरों ने शायरी कर दी है और उसको हिंदुस्तान सुनना है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा मनु वैशाली। आप सभी तक मेरा प्रणाम पहुंचे। उम्मीद करती हूँ जितनी सहजता, जितनी शांति से मैं पढ़ूंगी उतनी शांति से आप सुने। सर ने अभी परिचय दिया, 6-7 महीने कुछ मंचों पर हुए और एक नई भागदौड़ जिंदगी में चल रही है। 4 पंक्तियाँ मेरी आपकी सबकी जिंदगी की भागदौड़ से निकाल के लाई, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। खुद से खुद की होती रहती, खुद से खुद की होती रहती, उन अनबन के मारे हम, खुद से खुद की होती रहती, उन अनबन के मारे हम, अपने मन के कितने ही मन, अपने मन से हारे हम, कितने नाते कितने रिश्ते कितने ही संबंध मगर, कितने नाते कितने रिश्ते कितने ही संबंध मगर, खैर अंत में अपने हिस्से आए बस बेचारे हम, खैर अंत में अपने हिस्से आए बस बेचारे हम। और मैं उम्र भर गणित की विद्यार्थी रही हूँ, गणित मेरे जीवन में कहीं काम नहीं आई, तो मैंने उसका काम यहाँ पे लिया। 4 पंक्तियाँ अपने परिचय में पढ़ती हूँ कि उलझे उलझे हैं सुलझा लो, उलझे उलझे हैं सुलझा लो, सिद्ध सरल हो जाएंगे, उलझे उलझे हैं सुलझा लो, सिद्ध सरल हो जाएंगे, पूर्ण फलित या समाकलित या फिर अवकल हो जाएंगे, सिर्फ निरंतरता रखना तुम और जरा सा संयम भी, सिर्फ निरंतरता रखना तुम और जरा सा संयम भी, अंक गणित के प्रश्नों जैसे हैं हम हल हो जाएंगे, अंक गणित के प्रश्नों जैसे हैं हम हल हो जाएंगे। वाह बेटिया वाह। और मैं बुंदेलखंड की धरती से आती हूँ तो वहाँ की भाषा का लालित्य लेकर आती हूँ। एक नायिका है मोहिनी, मुझे छंद पढ़ने हैं, बुंदेली भाषा बघेली भाषा का मिक्सअप। एक नायिका है मोहिनी, मोहिनी जब बात श्रृंगार की होती है, मैं सर जब मैंने श्रृंगार लिखना शुरू किया, ये बहुत अंदर की बात लेके आ रही हूँ, जब मैंने श्रृंगार लिखना शुरू किया तो सबसे पहला थोड़ा सा मेरे पापा बोले कि श्रृंगार नहीं पढ़ना है मंचों पर, कविता दीदी बैठी हुई हैं आप समझ रही हैं,
लेकिन श्रृंगार और मैं मंचों पे आई तो यहाँ तो कोई वीरस कवि है नहीं, लेकिन वीरस कवि बोलते हैं कि अरे देश में ये चल रहा है वो चल रहा है, श्रृंगार कैसे न पढ़े। जिस संस्कृति में रुक्मणी, राधिका, रति, मोहिनी जैसी साक्षात सुंदरता की प्रतिमाएं हुई हों, उस संस्कृति में श्रृंगार ना लिखा पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाए। मैं छंद शुरू करती हूँ और एक नायिका है उसका श्रृंगार वर्णन है, सुनिए क्या है कैसे है, पढ़ती हूँ। स्वागत है बेटा। नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, लड़कियां आईलाइनर लगाती है, मैं बात वहीं से शुरू कर रही हूँ कि नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी का जरारी कारी धार करे मोहिनी। कि नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी का जरारी कारी धार करे मोहिनी। मुस्काए मन 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 में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनुहार करे मोहिनी। मुस्काए मन 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 में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनुहार करे मोहिनी। और देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल, कि जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी। कि देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल, जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी। बिसरानी सुध बुध खोई खड़ी है सन की, करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी। बिसरानी सुध बुध खोई खड़ी है सन की, करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी। और भाषा सुनिएगा कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो, रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो, रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। और चटकीली चितवन चंचला चकोर, इसी की चांद पे ही चांदनी उधार करे। हाय हाय वाह, चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। वाह बेटा, चटकीली चितवन चंचला चकोर, इसी की चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले तो, टुकड़े से तारन हजार करे मोहिनी। कि बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले तो, टुकड़े से तारन हजार करे मोहिनी। रूप रंग अंग अंग देखो ऐसे ढंग भंग, दुनिया भरे के दरबार करे मोहिनी। रूप रंग दुनिया भरे के दरबार, देखो ऐसे ढंग भंग, दुनिया भरे के दरबार करे मोहिनी। और एक नजर किसी को देख ले, नजर ऐसी कि एक नजर बस किसी को देख ले, कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो, जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। जल भी जलाई के अंगार, छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो, जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। बात बिना बात के जो बिगड़े तो, मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। बात बिना बात के जो बिगड़े तो, मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। मगर लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई, आप सबके मन की बात पढ़ते सुनेगा। कि मगन हो मोहन पे, मोहन को मोहने के, बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। कि मगन हो मोहन पे, मोहन को मोहने के, बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। और जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली ये, कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे मोहिनी। वाह, जाने ना, अच्छा है। जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली ये, कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे मोहिनी। और 2 सालों से दिल्ली में हूँ, एक बहुत छोटे कस्बे एक गांव से निकल कर आई। आज भी जब कभी घर जाने का मौका मिलता है, बहाना मिलता है, तो मैं फट से चल देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिले, उनका वही कि गांव क्यों जाना है, दिल्ली आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, यहाँ से गांव क्यों जाना है। तो गांव क्यों जाना है, वो इसलिए जाना है, मैं अब एक गीत में आपको बताती हूँ। और अगर आप सबका बचपन कहीं उसमें खोया नजर आ जाए तो आप सबका साथ चाहूँगी। गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। होती थी शाम मम्मी, कहती थी आ बना दूं। अच्छा गीत है ये। होती थी शाम मम्मी, कहती थी आ बना दूं, बाबा की प्यारी बिट्टी, अम्मा का राजा बाबू,
आँखों में मोटा काजल, माथे पे एक टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का। तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाए जहाँ भी अम्मा अम्मा न छोड़ते थे। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे। पूछो ना नीम की उस छाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है, रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। और गाँव की एक शाम देखिए, दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया। बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया, बारह खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर सौ से उल्टी गिनती। आए, 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 फिर कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, तब अपने नींद के या फिर भूख के बहाने। चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम। तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। गीत का अंतिम मंत्र पढ़ के अपनी जगह लेती हूँ। मैं यहाँ जब दिल्ली आई तो मुखर्जी नगर या गांधी विहार जहाँ भी रहती हूँ वहाँ पे आसपास इतने मकान के ऊपर मकान फ्लोर्स के ऊपर हमें आज तक ये नहीं पता पड़ा कि हमारे आसपास ऊपर नीचे अगल बगल कौन रहता है। लेकिन गांव में ऐसा कोई घर नहीं हो जिसे जहाँ पे कहाँ क्या हुआ है हमें पता ना हो। वहाँ पे कभी पड़ोसी नहीं हुए, वहाँ पे हमेशा चाची या भाभी हुआ करती थी। मैं वही बात इतनी सी बात एक बंद में लिखती हूँ, सुनेगा। स्वागत है बेटा। वो दोपहर की नींदें वो रात की कहानी, वो दोपहर की नींदें वो रात की कहानी। अम्मा के चोर डाकू भगवान राजा रानी, आए, है, चलता था न जाना टोले में घर किसी भी। होते न थे पड़ोसी होती थी चाची भाभी, जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी, जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी। यह खेत मेड़ कुइया ये बाजरा वो धानी, कंधे पे जो पिता के घूमे है बैठ सारा, कंधे पे जो पिता के घूमे है बैठ सारा। क्या क्या बताएं ऐसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। तुम पूछते हो, क्या बात है। ये खुशबू है, ये ताकत है कि एक हाय 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 एक देखिए, इसे कहते हैं कि अभी 6 महीने इस लड़की को हुए हैं और नीचे तो हाँ, तो इसे इसे जितनी जितनी नाजुकी है उस तरह से मांगो, ऐसे नहीं सिक्के उछाले ऐसे।
थोड़ा आराम, बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, नाजुक सा है भाई साहब, तो आपने तो ऐसे मांगी जैसे मतलब, हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं समय की सीमा है, लेकिन मैं अपने समय में से, चूंकि मेरा समय जा रहा है और इसका समय आ रहा है, तो मैं अपने समय में से काट कर इसे कहता हूँ कि एक गीत जो इसका बहुत लोकप्रिय हुआ है, नद नदी सिक्के उछाले, एक बार उसको पढ़ दे, एक बार तालियां बजाकर बिना भूमिका के जोरदार तालियों से, एक बार फिर दोबारा, वाह बेटा पढ़। बहुत धन्यवाद आप सबका। एक गीत, हम जिंदगी में कोई भी काम करें, चाहे वो प्रेम हो या कोई भी क्षेत्र हो, जब वहाँ पे बहुत जोर लगा लेने के बाद भी वहाँ पे काम नहीं बनते, तो एक मनोस्थिति आ जाती है कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। नया साल आने वाला है, इसी मनोस्थिति के साथ हमें आगे बढ़ना है। गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। गीत गानों कीर्तन में, आरती में आच मन में, गीत गानों कीर्तन में, आरती में आच मन में, ध्यान व्रत पूजन हवन में, मंत्र श्लोकों में भजन में, एक ही वरदान मांगा, प्रेम का यह दान मांगा, पर प्रबल है भाग्य के फल, है विफल सब साधनाएं, हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं, हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। और इंसान जब अटकता है तो कहाँ कहाँ नहीं भटकता, उसी भटकन को गाती हो, चूम दर मंदिर शिवाले, नद नदी सिक्के उछाले, चूम दर मंदिर शिवाले, नद नदी सिक्के उछाले, पाठ जप तप कर के हारे, कर लिए उपवास सारे, मन्नतों के बांध धागे, काश कोई पुण्य जागे, के सुनी जाए कहीं तो अनसुनी सब प्रार्थनाएं, हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। वाह बिटिया वाह। और गीत का अंतिम मंत्र पढ़ती हूँ। एक प्रसंग आता है उद्धव गोपी संवाद, कि यमुना के किनारे उद्धव जी खड़े हैं, गोपियों को समझा रहे हैं कि गोपियाँ कृष्ण विरह में ऐसे काम धाम मत छोड़ो, ज्ञान भक्ति का, ज्ञान का मार्ग पकड़ो और ईश भक्ति में मन लगाओ। तो गोपी कहती है कि उद्धव कृष्ण को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, सुनो कि उद्धव, ज्ञान के प्रवचन विफल हैं, प्राण लेके प्रण अटल हैं, ज्ञान के प्रवचन विफल हैं, प्राण लेके प्रण अटल हैं, गीत का हट योग साधे, प्रश्न है अंतस में आधे। और प्रश्न क्या कि क्यों नहीं तुम भाग्य मेरे, क्यों नहीं तुम भाग्य मेरे, क्या नहीं मैं योग्य तेरे, पूर्ण हो किस विधि कहो तुम, ये मनोरथ कामनाएं, हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं।